गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग पेज नंबर 70। सो वी डिड द क्वेश्चन दैट बार ग्राफ वाज गिवन टू अस एंड वी हैड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिमिलरली ऑन पेज नंबर 70 अ डबल बार ग्राफ इज गिवन टू यू। कम ऑन पेज नंबर 70, लेट्स रीड द क्वेश्चन। What is the information given by the double bar graph? Hanji, kya information hai? Marks obtained by a student in different subjects. Just listen to me, you can write it afterwards. Theek hai? What is the information is given to you? Marks obtained by the students in different subjects. Then second part is, in which subject has the performance improved the most? देखो किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ डायरेक्टली वी कैन सी इन मैथ्स 2005-06 में 30 मार्क्स, मैथ्स में 30 मार्क्स थे और 6-07 में कितने 60। तो किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हुई है? मैथ्स में। राइट ऑन मैथ्स। सेकेंड पार्ट के आगे, In which third part, in which subject the performance deteriorated? पहले से दूसरे साल में किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम हुई है? इंग्लिश। पहले ज्यादा थी, नेक्स्ट ईयर में कम हो गई। तो परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट किस सब्जेक्ट में हुई है? इंग्लिश में। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। एट पार मीन्स सेम, उतनी ही रही है जितनी पहले थी। क्लियरली इट इज हिंदी, इट इज हिंदी। ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ। पेज नंबर 71, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको क्या गिवन है? मंथ गिवन है, ठीक है, जुलाई अगस्त एंड सो ऑन, एंड नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। तो यहाँ पर अब हमने जो ग्राफ बनाना है वो कैसा ग्राफ बनेगा? बार ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा बेटे? बार ग्राफ। पेज नंबर 72, 71। फर्स्ट क्वेश्चन, यू विल जस्ट मेक द ग्राफ इन रफ नाउ, आफ्टरवर्ड यू कैन मेक इट इन क्लियर। सिक्स क्लास से ग्राफ करते आ रहे हो, बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। नाउ यू हैव टू सी द नंबर 1000, 15, 2000, 2500, 1500। मतलब 1000 सबसे छोटा नंबर है और आपके स्केल में सबसे बड़ा नंबर है 2500। सो वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ 1500, सॉरी 500, 1000, 15, 2000, 2500। सब में 500 का डिफरेंस है और यहाँ 1000 का, तो क्या लगाएंगे? किंग, है ना। अब जुलाई में कितनी वॉचेस सेल हुई? 1000। सो वन बॉक्स में विल लीव एंड मेक द बॉक्स। देन इन अगस्त 1500, एक बॉक्स छोड़कर 1500। देन इन सितंबर 15, अक्टूबर 2000, देन 2500 इन नवंबर एंड इन दिसंबर अगेन 1500। सो दिस इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, November and December. These are the months number of watches sold scale on y-axis
10 small division is equal to 500. क्या है ये वॉचेस हैं. सो 10 small division is equal to 500 watches. That is it. ठीक है बेटा. आगे आपके पास क्या है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में आपके पास बेटा डबल बार ग्राफ है. ठीक है सो लेट्स डिस्कस थर्ड क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड कलर ऑफ इट. कोई लिख रहा है तो हैंड रेज कर लो बेटा नहीं तो मैं रख कर रही हूँ. जल्दी नोट करो इट्स वेरी इजी. सो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपके पास क्या है परसेंटेज विन्स इन ओडीआई बाय 8 टॉप क्रिकेट टीम्स फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 6 लास्ट 10 ओडीआई इन 07. तो अलग अलग परसेंटेज है वो अलग अलग हमने उसको प्लॉट कर देना है. देखो थर्ड क्वेश्चन दिस इज एक्स एक्सिस This is y-axis, this is origin. अब जो भी आपके पास नंबर गिवन है दोनों स्केल में आप देखोगे सबसे छोटा नंबर क्या है 430 और मैक्सिमम कितना जा रहा है 78 है ना. 30 मिनिमम है मैक्सिमम 78 है तो आप 35 का डिफरेंस नहीं लोगे. I have told you always not to take the difference of 5 and 50. If you remember, हमेशा आपको कहते हैं कि 5 और 50 का difference avoid करना है until all the numbers are multiples of 5 or 50. तो इसमें हम किसका लें 10 का लेते हैं वही convenient रहेगा. ठीक है तो you can start from 30 or you can start from 10. 10, 20, 30 लिख दो और अगर सिर्फ 30 से start करोगे तो 3 का लगाना पड़ेगा. 30, 40, 50, 60, 70 and 80. ठीक है. नाउ साइड पे आप लिख दोगे जो फर्स्ट वाला है फ्रॉम चैंपियंस ये नीचे लिखोगे. मैं यहां लिख रही हूं फ्रॉम चैंपियंस वगैरह जो भी फर्स्ट वाला है उसके लिए हम बनाएंगे दिस प्लेन बॉक्स और जो लास्ट 10 ओडीआई वाला लास्ट 10 ओडीआई इसकी परसेंटेज के लिए हम शेडेड बॉक्स बनाएंगे. ठीक है ये आपने लिख देना है कि स्मॉल बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और शेडेड बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है नाउ साउथ अफ्रीका पहले वाले में 75 दूसरे वाले में 78. व्हेनेवर यू आर मेकिंग द डबल बार ग्राफ अगेन यू हैव टू लीव वन बॉक्स एक बॉक्स छोड़ना है 75. 75 is between 70 and 80. ये 75, 76, 77, 78. और उसके साथ ही साथ वाले बॉक्स में ही दूसरे वाला ये है साउथ अफ्रीका 75, 78% ये यहां नहीं लिखना ये इसको आपने शेड कर देना. ठीक है मैं बस दो के लिए करूंगी जैसे ऑस्ट्रेलिया 61 पहले 40 बाद में फिर अगेन एक बॉक्स छोड़ोगे 61 एंड 60 के ऊपर एक 1 और 40. ये क्या है ये नीचे आप क्या लिखोगे टीम्स और यहां पर परसेंटेज
बस ये किस चीज परसेंटेज। ऐसे ही आप सारे ग्राफ बना लोगे। हाँ जी प्रबल, एनी डाउट टू एनीवन? प्रबल अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक अप। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन हाउ टू मेक द ग्राफ, बार ग्राफ एंड हाउ टू मेक अ डबल बार ग्राफ। सिमिलरली यू विल प्रोसीड। स्केल क्या लिखोगे? On y-axis, 10 small division is equal to 10%. हाँ जी, एनी डाउट? बना लोगे? यस नो रिस्पॉन्स। स्क्रीन ब्लर बहुत है मैम। ब्लर है बेटा? नहीं है ब्लर। कहाँ है ब्लर? क्या करूं फिर बताओ? ये लो पास में कर दूं। अब क्लियर है? नो मैम। नो तो फिर मैडम कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेट ठीक कराओ। मैम वाइप करो कैमरा जरा सा। क्या करूं? साफ करो कैमरा को जरा सा। लो जी अब क्लियर तो है। यस मैम अब ठीक है जरा। ठीक है ना, सबको समझ आ गया बेटे? अब आई थिंक क्लियर है। ये मैंने पास कर दिया बोर्ड पे। एनी डाउट टू एनीवन? चलो सो आगे चलेंगे बेटा। आगे आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जैसे हम पिछली क्लासेस में करते आते थे, सिक्स्थ में, सेवेंथ में। ठीक है, पेज नंबर 73 पे जो लास्ट में ट्राई दीज है, ये आप खुद करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन बुक में है। विच क्लास हैज व्हाट इज द साइज, विच क्लास हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, विच हैज लोएस्ट। ठीक है, तो जस्ट ट्राई द क्वेश्चन। कोई पार्ट नहीं समझ आएगा तो कल पूछना। आप लोग पूछते नहीं हो तो पता चलता है कि आप लोग करते नहीं हो। जो बच्चे पूछते हैं वहां पता चलता है कि दे आर ट्राइंग। और जब तक बेटा आप एग्जाम्स होने हैं ना, एवरीथिंग एवरी सिचुएशन इज गोइंग टू गेट नॉर्मल। तो पेपर आपके स्कूल में हो जाएंगे, ये आराम से सोच के ना बैठो कि हर 2 साल हो गए घर पे पेपर हो रहे हैं, तो चलो जी ये भी पेपर घर पे होंगे। एवरी टाइम द सिचुएशन डजंट रिमेन द सेम। सो दोज हु आर नॉट स्टडिंग बी सीरियस नाउ, सीरियस हो जाओ। 10th ऑनवर्ड्स बच्चे आ रहे हैं, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोल दिया आप लोग भी आओगे स्कूल में, कि पेपर वेपर सब आपके स्कूल में होंगे जैसे हमेशा होते थे। बहुत हो गई ऐश। चलो आगे, सेकेंड क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा ऑन वेट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास यूजिंग इंटरवल 30 to 35, 35 to 40 एंड सो ऑन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 74। आपने क्या बनाना है बेटे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपने बनाना है, और हमने क्या लेना है? क्लास इंटरवल्स लेनी है। ये ध्यान से समझनी है मेरी बात। क्लास इंटरवल्स कहते, क्लास इंटरवल में उन्होंने साइज बता दिया है। क्या साइज लेना है? 30 से 35, 35 से 40। व्हाट इज द क्लास साइज? क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसका साइज कितना है? मतलब 5 का गैप होना चाहिए। ये 30 से 35, 30 से 5 से 40 इन्होंने एग्जाम्पल दी है। जरूरी नहीं है कि हमारा जो नंबरिंग है वो 30 से शुरू हो। अगर सपोज कोई उसमें हमारे जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसमें 10 है, तो हमें पहले से शुरू करना पड़ेगा, है ना? अब देखते हैं, बाय चांस कई बार होता है कई बार नहीं भी होता। जैसे इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 33।
और सबसे बड़ा नंबर है 40, 53 के बाद है कुछ 60 है, 60, ठीक है. सो एज द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 30 to 35, 35 to 40, 45 to 50, 55 to 60, 50 to 55. जिस नंबर से छोड़ना है उसी नंबर से शुरू करना है. 35 to 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 and 60 to 65. फिर हम क्या लिखते हैं? टैली मार्क्स. And then we write frequency. अब देखेंगे 40, पहला नंबर क्या है 40. अब जो 40 है वो किस इंटरवल में लाए करेगा? यहां के यहां थर्ड इंटरवल में, जहां से 40 शुरू हो रहा है, ना कि जहां 40 खत्म हो रहा है. ठीक है, द नंबर 40 इट विल लाई इन दिस इंटरवल फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग. इसमें करोगे तो नहीं, गलत हो जाएगा. 38, 35 to 40, देन 33, यहां 48, 60. Now 60 will come in which interval? Where 60 is starting. So, इसलिए 60 से 65 लेना पड़ा. 53, 31, 46, 34, 46, 34, 36, 49, 36, 49, 41, 55, 41, 55 देखो जहां से 55 शुरू हो रहा है. 49, 65, 49, 65. अब देखो 65 है हमारे पास, 65 है तो बेटा एक और बनेगा. 65 to 70, ठीक है, क्योंकि 65 है तो 65 वाला ही आएगा जहां से 65 शुरू हो रहा है. 42, 44, 42, 44, 47, 38, 47, फिफ्थ लाइन है तो कट करते हैं चार लाइन को. 47, 38, 38 and 39. सबको क्लियर होगा आई थिंक. ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था कि जो नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 50 है तो 50 किसमें आएगा? इस वाले इंटरवल में. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी 3, 4, 4, 5, 1, 1, 1 and 1. टोटल कितना हो जाएगा? 7, 11, 16, 17, 18, 19 and 20. टोटल हो गया हमारा 20. और 20 बोला था उन्होंने क्वेश्चन में कि 20 बच्चे हैं. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. कैसा डेटा है ये? अब ग्रुप्ड है, क्लास इंटरवल से तो ग्रुप्ड है. और इसी से हम क्या बनाते हैं? इंस्टोग्राम. बना नहीं रही हूं, सिर्फ समझ लो. इसी से हम क्या बनाते हैं? जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड देन ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम क्या होता है? जिसमें बॉक्सेस नहीं छोड़ते. और हिस्टोग्राम हमेशा उसी का बनता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? क्लास इंटरवल. के बाद में बताऊंगी.
जैसे एक मिनट जनरल ओवरव्यू ले लो, जैसे हमने हिस्टोग्राम बनाया तो हम क्या करेंगे, 0, 30 है ना, तो 30 के साथ साथ में लिखते हैं 40, 45, और यहाँ पर नंबर फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो 30 से 35 में क्या फ्रीक्वेंसी है, 3, 4 ऐसे, 35 से 40 में 4, फिर 4 साथ साथ में बनता है without leaving the box, that is known as a histogram. Okay? आगे आ जाओ बेटे, page number 75 page, try these, observe the histogram and answer the questions given below. What information is being given by the histogram? Height in centimeter of the and number of girls of class 7. ऐसे लिख सकते हो, height of the girls of class 7. क्या information given है? 7th class की girls की height कितनी है? Right? Second part, which group contain maximum girls? Which group contain maximum girls? Number of girls of class 7. Which group? 140 to 145. Write down. 140 to 145. Book mein likhna hai ye. Kya baat hai Prabal, bolo. ऐसे लिखना होता है 145 centimeter and more. कितनी, 145 या 145 से ज्यादा, तो कितनी गर्ल्स हैं, who will tell? 4. No. 4. Ma'am, 4. 4 plus 2, 6 plus 1, 7. 145 और उससे ज्यादा, तो उसने 150 से 155 वाली भी प्लस होंगी, ये ना, ये 4, ये 2, ये 1, ये 145, 150, 155, 160. तो ये सारी गर्ल्स, इनकी हाइट 140 और 145 से ज्यादा है, तो आंसर इज 7. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझा करो, ऐसे ही 4. हाउ कम 4? आई वॉज अबाउट टू गिव दिस इन होमवर्क, देन फोर्थ पार्ट. If we divide the girls into the following three categories, how many would there be in each? 150 centimeter and more. बताओ, हमने categories बना दी. पहली category में वो girls हैं जिनकी height 150 centimeter है और उससे ज्यादा है. कितनी गर्ल्स आएंगी उसमें? हाँ जी महकप्रीत, अनम्यूट करो बेटा, आपके पास ऑप्शन है, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है. मैम 3. मैम 3. 3. थोड़ा महक आपके उधर. सो द आंसर इज 3. राइट डाउन. ग्रुप ए में कितनी गर्ल्स हैं? 3. 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर. 140 टू लेस देन 150 मींस 140 से 145 वाला उसमें आएगा और 140 से 150 वाली गर्ल्स उसमें आएंगी, क्योंकि ये से लेस है. कितनी है 140 से 145? 7.
और ये है फोर, है ना? मैम इलेवन. यस मैम इलेवन. आंसर टू दिस पार्ट इज एट इलेवन. ग्रुप बी में कितनी गर्ल्स हैं? इलेवन. लेस देन 140. थ्री फोर फाइव सिक्स. लेस देन 140 में सिक्स. मैम सिक्स. आई होप इट इज क्लियर. म्यूट करो म्यूट. प्रबल वो शो रहा है. Now next exercise 5.1. First part खुद करोगे. First question. Read yourself. Do yourself. For which of these would you use histogram? सोचना और फिर कल बात करेंगे इसके बारे में. Second question, the shoppers who come to a departmental store are marked as M for man, W for woman, boy, girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. Make a frequency distribution table. So, beta, ye frequency distribution kaisa banega? Ungrouped. Framework hai, samajh lo bas. आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे पर्सन मेल मैन वुमेन बॉय गर्ल. टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी जैसे आप अपनी छोटी क्लासेस में करते थे. कितने डब्ल्यू हैं? कितने एम हैं? कितने बी हैं? कितने जी हैं? सपोज डब्ल्यू है 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Frequency tells us. General. Very easy. उसके बाद उसका बार ग्राफ बनाना है. उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है. जैसे ये आता है 28. चीजें देखते हैं कि आप बनाओगे खुद. मैं आपको समझा देती हूँ. W M D और G. ना आएगा आपका देखना. ठीक है, ये ऐसे जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में लिखना है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. उसके बाद आपने इसका बार ग्राफ बनाना है. X Y फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम नंबर 5, मैक्सिमम नंबर 28. सो वी कैन टेक द डिफरेंस ऑफ 2 आल्सो. कैन यू 10 20 30. वुमेन कितनी है? 28. एक बॉक्स छोड़ोगे. मैन मैन कितनी है? 15. बॉयज कितने हैं? 5. मतलब कितने फर्स्ट आर में कितने बॉयज आए? 5 बॉयज. और कितने गर्ल्स? 12. ये बन गया आपका बार ग्राफ. इसमें आप लिखोगे ये क्या है पर्संस और ये क्या है आपका नंबर ऑफ टाइम दे विजिटेड. फिर स्केल लिख लो. हाँ जी, एनी डाउट? ये होमवर्क है आपका. सेकंड क्वेश्चन, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल खुद बनाना है और फिर उसका बार ग्राफ बनाना है.
Third question. As the time is running out, but we need to complete this third question. थर्ड क्वेश्चन में बेटा आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. इसमें आपको क्या गिवन है? क्लास इंटरवल गिवन है. तो लेट्स डिस्कस. अब इन्होंने बोल दिया कि क्लास साइज कितना होना चाहिए, 800 टू 810, मतलब 10 का डिफरेंस होना चाहिए. मिनिमम नंबर देखो, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर देखना पड़ता है, तभी पता चलेगा कहां से शुरू करना और कहां तक जाना है. 812, 810 है. सबसे छोटा तो 810 ही दिखता है. बड़े से बड़ा देखो, 819, 898. सो क्लास इंटरवल राइट डाउन 800 to 810. Because the maximum number is 898, so you have to go till 900. And in the question, it is mentioned that you have to take the difference of 10. So, aap 20 nahi le sakte. Aur suppose koi class size nahi given, to aapki marzi, aap chahe 20 ka lo, chahe 10 ka lo, chahe 30 ka lo, chahe 50 ka lo. Theek hai? Now, now beta, we have to do the tally mark. 830, 835, जैसे 830 कहाँ आएगा, यहाँ 835 भी. तो दिस यू कैन डू योरसेल्फ. इसके बाद आपने इसकी कैलकुलेशन है फ्रीक्वेंसी का, कोई ग्राफ वगैरह नहीं बनाना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. वेल द इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज सपोज इट इज 820, सो इट विल लाई इन दिस वेयर 820 इज स्टार्टिंग, नॉट वेयर इट इज एंडिंग, राइट. So second and third question you will do yourself. I have just told you. Now tomorrow we will learn how to make a histogram. ये देखो, fourth question देखो. For the same, इसी question के लिए हमने histogram बनाना है. तो कल सबका ये table बना होना चाहिए. I will just take the frequency. I will not make the table again. Right? मैम बस दो क्वेश्चन होमवर्क हैं, सेकंड और थर्ड. और ये जो ट्राइलीज वाला बुक भी करना है मैम. ट्राइलीज का कौन सा करना होमवर्क फेयर कप में? 873 अटेंटिव क्यों नहीं हो क्लास में? छोटे बच्चे सिक्स भी होते हैं ना, तो वो कहते हैं मैम होमवर्क बता दो, मैम बता दो. मैम वो तो आपने मैम बुक में करने के लिए बोला है. वही बोल रही हूँ कि दो कॉपी में और एक बुक में. ओके चलो जी, सी यू टुमारो, टेक केयर.